करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव इंद्री अनाज मंडी पहुंची और गेहूं खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान डीसी ने आढ़तियों और किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि अब 200 किसान अपनी फसल लेकर मंडी में आ सकते हैं। इसके लिए 100 किसान सुबह की शिफ्ट में और 100 किसान शाम की शिफ्ट में आ सकेंगे। इसके अलावा जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उन किसानों की गेहूं बिल्कुल नहीं खरीदी जाएगी। इसलिए सभी किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। उपायुक्त ने किसानों और आढ़तियों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशों की पालना करते हुए केवल जरूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकले। मंडी के दौरे के बाद निशांत कुमार यादव राधा स्वामी सत्संग भवन में बने होम शेल्टर में पहुंचे। यहां उपायुक्त ने प्रवासी मजदूरों से बातचीत कर व्यवस्था की जानकारी ली। इस मौके पर उनके साथ एसडीएम सुमित सिहाग, मार्केट कमेटी सचिव हकीकत राय और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। यहां आपको बताते चले कि निशांत कुमार यादव ने कहा कि 30 अप्रैल तक जिले में गेहूं की खरीद पूरी हो जाएगी। अब तक जिले में 40% गेहूं मंडियों में आ चुकी है। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए मंडी के गेट पर किसानों के हैंड सैनिटाइज करने के लिए ड्यूटी लगाई गई है। खरीद सेंटर पर सक्षम युवाओं की नियुक्ति की गई है जो किसानों को मैसेज भेज रहे हैं। डीसी निशांत कुमार यादव ने स्पष्ट किया कि जब तक हरियाणा के किसानों की पूरी फसल मंडी में नहीं आ जाती, तब तक उत्तर प्रदेश के गेहूं नहीं खरीदा जाएगा। इसके अलावा जो किसान हरियाणा के हैं और उनकी जमीन यूपी में है, वो अपना गेहूं मंडी में लेकर आ सकते हैं। यूपी के किसानों का गेहूं पर फिलहाल रोक लगी हुई है। मंडी में जो गेहूं की खरीद चल रही है 2020 के सीजन की, रबी सीजन की, उसकी तैयारियां देखने के लिए मंडी में विजिट की थी और लगभग सारी सुविधाएं सुचारू हैं। हर बार लगभग 7 लाख क्विंटल गेहूं यहां पे आता है, उसके एवज में इस बार 2.25 लाख क्विंटल के करीब आ चुका है। पूरे ज़िले में भी लगभग 25 लाख क्विंटल गेहूं आ चुका है और पूरे हरियाणा का लगभग 1/4 गेहूं सिर्फ करनाल में ही आया है और ख़रीद हुआ है। तो करनाल में पूरे ज़िले में बड़ी अच्छी सुचारू प्रक्रिया चल रही है। किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? 4-5 चीज़ें इसमें की गई हैं। एक तो गेट पास की व्यवस्था है, जो भी गेट पास पे किसान आएगा उसको सैनिटाइज, उसके हैंड सैनिटाइज करना, मास्क अवेलेबल कराना। उसके बाद हमने सक्षम युवा लगाए हैं हर एक मंडी में। ज़िले में लगभग 172 परचेज सेंटर्स बनाए गए हैं, तो हर एक परचेज सेंटर पे सक्षम युवा लगाए हैं जो किसानों को कॉल करेंगे और फ़ोन करके किसान को निर्धारित समय पर ही आना है। उसके बाद हमने परचेज ऑफिसर्स लगाए हैं, क्योंकि इस बार परचेज सेंटर्स की संख्या 7-8 गुना बढ़ गई है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के और बाकी विभागों के परचेज ऑफिसर्स लगाए हैं, उनकी ट्रेनिंग कराई गई है ताकि परचेज सुचारू रूप से होती रहे। हर एक 3-4 परचेज सेंटर्स के ऊपर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स लगाए गए हैं। तो कुल मिला के पूरी कोशिश की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और लोग लॉकडाउन के नियमों का भी पालन करें और साथ में परचेज भी सुचारू रूप से। उसका उद्देश्य ये था कि शुरू में चूँकि व्यवस्था नई थी, परचेज ऑफिसर्स भी नए लगे थे, सेंटर भी ज़्यादा बनाए गए थे, तो स्वाभाविक है कि शुरू में कोई दिक्कत ना आई, इसलिए हमने 1-2 दिन संख्या कम रखी थी। अब हर एक मंडी पे टोटल 200 लोग जो बड़े मंडी हैं वो आ सकती हैं, 100 सुबह वाले शिफ्ट में, 100 शाम वाले शिफ्ट में। और जिस तरीके से ज़िले की लगभग 40% खरीद हो गई है, तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि 30 अप्रैल तक पूरे ज़िले की सारी खरीद कर देंगे। अच्छा, पोर्टल पर भी कुछ किसानों को दिक्कत आ रही कि ज़मीन है कितनी, चढ़ी हुई कम है, उसको लेकर के काफ़ी समस्या रही है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर किसी किसान ने मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया है, तो सरकार ने वो पोर्टल अभी भी खोला हुआ है, वो रजिस्टर कर ले। और बिना रजिस्टर्ड फार्मर की किसी की भी फसल खरीदी नहीं जाएगी। दूसरा, अगर किसी किसान के पास ज़मीन कम चढ़ी है और उसके एक्चुअल ज़्यादा गेहूं लेके आता है, उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी गेहूं के, किसी भी किसान के पास ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि एक दिन में कितना लेके आएगा। अच्छा, कुछ मंडियाँ जैसे हैं, इंद्री की मंडी है, करनाल की मंडी है, तो यूपी के कुछ किसान जुड़े हुए हैं, लेन देन भी चलता रहता है, उनके लिए कुछ व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से? इसमें दो नियम है। एक तो जो किसान, जिन किसानों की ज़मीन है हरियाणा में लेकिन यमुना के पार पड़ती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार उनका पूरा गेहूं खरीदेगी। लेकिन जो किसान यूपी में अपनी फसल बोते हैं, उनके लिए सरकार ने कहा है कि पहले जो हमारी प्रायोरिटी है वो हरियाणा का गेहूं है, जो हरियाणा के क्षेत्र में, हरियाणा की बाउंड्री में गेहूं उगा है, उसको सरकार अभी पहले खरीदेगी। इसलिए हम यूपी के गेहूं को बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं। एक बार जब हरियाणा के गेहूं की खरीद हो जाए, उसके बाद सरकार जैसे इस पे पॉलिसी बनाएगी, फिर बाहर का गेहूं खरीदा जाएगा। ठीक है सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.